जिहादियों के विरोध में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। हिंदू जागरण मंच के दो सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, उचित कार्यवाही की मांग। बिछोर में कोचिंग के नाम पर शबर खान नाम के युवक के द्वारा हिंदू लड़कियों से समुदाय विशेष के लड़कों की फ्रेंडशिप कराकर लव जिहाद को फैलाने का मामला सामने आया है। जब इसका विरोध पिछौर के एक नव युवक ने किया तो शब्बर खान और समुदाय विशेष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार पिछौर निवासी शब्बर खान कोचिंग संचालित करता है। इसमें हिंदू लड़कियों की समुदाय विशेष के लड़कों से मोबाइल पर बातचीत कराकर फ्रेंडशिप कराना और मुलाकात कराने का मामला सामने आया। साथ ही इसी पक्ष में रोहित पारेश्वर के साथ शब्बर खान और उसके साथियों ने मारपीट कर दी, जिससे रोहित पारेश्वर घायल हो गया और झांसी चिकित्सालय में उसका इलाज कराया जा रहा है। इसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच के बैनर तले करीब 2 सैकड़ा से अधिक युवाओं ने हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष विनय मिश्रा और थाना इकाई अध्यक्ष रूपेश रहोरा के नेतृत्व में विरोध करते हुए पैदल मार्च करके पिछौर थाना पहुंचकर थाने का घेराव किया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष साकेत पुरोहित ने बताया कि हमने गृह मंत्री से आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने, छोटी छोटी धाराओं के साथ धाराएं बढ़ाने, हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पिछौर थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है, उक्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ऐसा लगता है कार्रवाई में कमी रह गई है तो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह ठाकुर, सुशील शर्मा, जिला महामंत्री अभिनेश भार्गव, मीडिया प्रभारी निशिकांत दुबे, खनिया थाना इकाई से चंद्रशेखर पुरोहित, अजय झा, उमेश नामदेव, भौती थाना इकाई अध्यक्ष शिवम गुप्ता, अनिल झा के साथ अनेक संख्या में हिंदू जागरण मंच के साथी उपस्थित थे। कुछ लड़के उधर लड़कियों को छेड़ रहे थे। हाँ, हमने उनका विरोध किया। हाँ, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, कौन लोग हैं ये? मुस्लिम लोग हैं, वहाँ मस्जिद के पास कनकनी मोहल्ला के वहाँ रहती हैं। अच्छा, कोई कौन है? कोचिंग सब्बर हाँ, खान था। सब्बर खान क्या करता है ये? कोचिंग पढ़ाता है वो। हाँ, तो उसी के लोग थे और वहीं पूरा मोहल्ला आ गया था। डंडे लेकर आए थे, पत्थर लिए थे, रोड मोड लिए थे, सब कुछ लिए थे। आपने मतलब इस चीज का विरोध किया? आपके साथ विरोध किया था ओनली। आपके साथ मारपीट की? मेरे को मारा। और लगभग कितने लोगों ने साथ में मिलकर? 100 लोग थे, पूरे मोहल्ले के लोग थे वो। एक 3-4 दिन पहले एक मसला था हमारे पिछोर में, एक लड़की के साथ अभद्रता हुई थी। इसके विरोध में हमारे कुछ युवाओं ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, जो अन्य समुदाय के लोग थे उन्होंने जो अभद्रता थी उनको समझाने का प्रयत्न किया, उनके साथ मारपीट की गई समाज विशेष के द्वारा। तो आज हम लोगों ने एक मर्यादित तरीके से पुलिस विभाग से और शासन से ये मांग की है कि उन लोगों पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो करें, क्योंकि एक कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त है, जिसने कि मोबाइल, जो लड़कियों के मोबाइल है, लव जिहाद जैसी एक प्रक्रिया पूरी बना के रखी है उसने शिक्षण संस्थान के माध्यम से। और हमने सिर्फ यही डिमांड की है, मर्यादित तरीके से डिमांड की है। कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था छोटा सा, जिसमें जो पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई थी वो सारी की सारी कर दी थी। उसके बाद भी दूसरे पक्ष ने ज्ञापन दिया है और उसमें जो भी मांग है इनकी, जो भी की गई है वो भी हम पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे और जो कर सकते हैं वो कर देंगे, बाकी की जो नहीं हो पाएगी वो प्रयास करेंगे।